नमस्कार बच्चों, खुश रहो। इस वीडियो में आप भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2023 क्लास सेवेंथ का पेपर देखेंगे, जो कि 100 मार्क्स का और एक घंटे का था। आवश्यक निर्देश आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का उत्तर OMR शीट के गोले में ही भरें। टाई ब्रेकर प्रश्नों को हल करना भी अनिवार्य है। इसके अंक पृथक हैं, यानी अलग से ऐड होंगे, तो वह भी करने हैं। पहला प्रश्न देखिए, आदि शक्ति माँ गायत्री सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री है, अतः वह सन्मार्ग में प्रेरित करती है हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे विचारों को। सही उत्तर है डी, ABC तीनों को। अगला प्रश्न, प्रार्थना करने से मिलता है आंतरिक संबल, सत्कर्म करने की प्रेरणा, उत्साह और आशा। सही उत्तर है डी, ABC तीनों। तीसरा प्रश्न, जो महापुरुष सत्य को ही ईश्वर मानते थे। सही उत्तर है ए, गुरु नानक देव। तुलसी के पत्तों का कल्क जिसमें लाभदायक होता है, दाद, खाज, खुजली। ABC तीनों में। ईमानदार होने का अर्थ है हजार मनकों में अलग चमकने वाला हीरा, यह कथन है। सही ऑप्शन है ए, पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी का। सूर्य जगत का आदि कारण है, इसलिए कहलाता है आदित्य। अगला प्रश्न सातवां, गायत्री महामंत्र के ऋषि हैं। सही उत्तर है डी, विश्वामित्र। सल्तनत काल में मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़। महाराज रतन सिंह के किन योद्धाओं ने खिलजी की सेनाओं के दांत खट्टे कर दिए थे? तो सही उत्तर है डी, AB दोनों, यानी गोरा और बादल। अगला प्रश्न दसवां, अपने सतीत्व एवं मर्यादा की रक्षा में चित्तौड़गढ़ की क्षत्राणियों के जौहर की याद में प्रतिवर्ष मेला लगता है कृष्ण एकादशी को। अगला प्रश्न ग्यारहवां, ब्रह्मा की प्रेरणा से ऋषि वाल्मीकि ने रचना की रामायण की। बारहवां प्रश्न आप देख सकते हैं, भगवान श्री राम के पुत्र लव कुश का जन्म हुआ था। सही उत्तर है डी, ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में। व्यक्तियों द्वारा अर्जित शक्तियों को सुरक्षित रखा जा सकता है संयम से। जिव्या यानी जीभ के असंयम से जिसको नुकसान होता है, पाचन तंत्र को। पंद्रहवां प्रश्न, वाणी का किस प्रकार का प्रयोग मनोमालिन्य पैदा करता है? सही उत्तर है डी, AC दोनों, यानी कर्कशता और व्यंग्य। सोलहवां प्रश्न, प्रख्यात विद्वान एवं वक्ता तीर्थराम का जिन भाषाओं पर अच्छी पकड़ थी? तो सही उत्तर है डी, ABC तीनों, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी। स्वामी रामतीर्थ के व्यक्तित्व की विशेषता थी? सही उत्तर डी, ABC तीनों, यानी सरलता, निश्चलता, सादगी, अपरिग्रह, आस्तेय। ABC तीनों। अठारहवां प्रश्न, दूसरों की असुविधा का ध्यान रखकर अपनी सीमा को सीमाबद्ध रखने वाला व्यवहार कहलाता है, ABC तीनों, शिष्ट, सभ्य, अनुकरणीय। ABC तीनों। देवता वे होते हैं जिनकी प्रवृत्ति होती है, तो सही उत्तर है डी, ABC तीनों की, सहयोग, सहकार, संतोष की, सम्मानजनक व्यवहार की। बीसवां प्रश्न, भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाली इंडिका नामक पुस्तक के लेखक थे? सही उत्तर है बी, मेगस्थनीज। इक्कीसवां प्रश्न, जिस भारतीय ऋषि को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कणाद को। श्री रामचंद्र जी का जन्म जिस वंश में हुआ था? इक्ष्वाकु वंश। अगला प्रश्न, पद्मावत के रचनाकार हैं? सही ऑप्शन ए, जायसी। ज्ञान शक्ति है ऐसा जिन्होंने कहा? फ्रांसिस बेकन ने। क्रूस सम्माननीय चिन्ह है ईसाइयों का। पांडिचेरी जिन महापुरुष की तपस्थली है?
महर्षि अरविंद की सूर्य ग्रहण किस तिथि को लगता है? अमावस्या को। जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांत हैं सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। सही उत्तर है डी, एबीसी तीनों। शिवा तू धर्म और संस्कृति के लिए आजीवन युद्ध कर, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, ये जिसने कहा था? सही उत्तर है ए, समर्थ गुरु रामदास ने। लोक हित में जिन्होंने श्रेष्ठ त्याग किया? सही उत्तर है डी, ए बी दोनों, यानी शिवी और दधीच। अगला प्रश्न, मेरी दृष्टि में ईश्वर इस संसार में सर्वव्याप्त एक महान नियम है, यह कथन है? ए का, ए ऑप्शन सही है, आइंस्टाइन का। अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के सिद्धांतों में जिसे वेद विरुद्ध और त्याज्य मीन्स त्यागने योग्य माना गया है? तो सही उत्तर है डी, एबीसी तीनों, बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, तीनों को। अगला प्रश्न, सिख धर्म के अनुयायियों को गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानने का निर्देश दिया था गुरु गोविंद सिंह ने? अगला प्रश्न, 35वां आप देख सकते हैं, सरदार भगत सिंह ने जिस संगठन को बनाया था? सही ऑप्शन है सी, नौजवान सभा। अगला 36वां प्रश्न आप देख सकते हैं, एन इंडियन पिलग्रिम जिनकी आत्मकथा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिस विदेशी यात्री ने वाराणसी में संस्कृत और खगोल विद्या का अध्ययन किया? अलबरूनी, हड़प्पा संस्कृति एवं सभ्यता के लोग जिसकी पूजा करते थे? सही उत्तर डी, मातृदेवी की। अगला प्रश्न 39वां, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से जिस भाषा में लिखा गया है? सही उत्तर ए, पाली भाषा। स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा, वे महापुरुष थे? सुभाष चंद्र बोस। पूर्व का मोती कहलाता है सिंगापुर। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा जहां स्थापित की गई है? मेहसाणा। अगला 43वां प्रश्न आप देख सकते हैं, जैन धर्म के तीर्थकर जिसे आदिनाथ कहा जाता है? ऋषभदेव को। हमारे देश का नाम जिनके नाम से भारत पड़ा? शकुंतला पुत्र भरत के नाम पर। जनकपुर वासियों को पहली बार देखते ही राम लक्ष्मण कैसे लगे? तो सही उत्तर है डी, एबीसी तीनों। पवित्र सज्जन धर्मात्मा ज्ञानी गुणवान, एबीसी तीनों। अगला प्रश्न 46वां, अपनी भूल को समझना और उन्हें सुधारना ही प्रगति का मूल मंत्र है, यह कथन है? सही ऑप्शन है ए, अरस्तु का। सम्मान ही सद्गुणों का पुरस्कार है, यह कथन है? तो सही ऑप्शन है बी, सिसरो का। अगला 48वां प्रश्न आप देख सकते हैं, अपने हिस्से का काम किए बिना ही भोजन करना चोरी है, यह कथन है? महात्मा गांधी का। यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर का गुरु था अरस्तु, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, आर्यभट्ट जिस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? तो सही ऑप्शन है सी, नालंदा। अपना बलिदान देकर जिस राजपूत सरदार ने महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा की थी? सरदार झाला ने। अगला 52वां प्रश्न, संस्कृत भाषा में लिखी गई ग्रंथ अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? तो सही ऑप्शन है बी, व्याकरण। 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रमुख संस्था थी? तो सही उत्तर है डी, एबीसी तीनों, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, एबीसी तीनों। अगला प्रश्न, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। चंद्रमा का आकार जिस तिथि को पूर्ण होता है? पूर्णिमा को। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो मिसाइल मैन कहलाते हैं? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न 57वां देख सकते हैं आप,
गीता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ है ज्ञान, जिसे लघु भारत कहते हैं। मॉरिशस, अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है, कहा है पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने, जिसे नरम दल के नेता और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला 61वां प्रश्न आप देख सकते हैं, बुद्ध चरितम के रचनाकार अश्वघोष जिनके आध्यात्मिक गुरु थे कनिष्क के, 13वीं शताब्दी में पांडे राज्य की यात्रा पर आए थे, मार्को पोलो। स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व की विशेषता थी, सही ऑप्शन ए निर्भीक एवं सत्यवादी। अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का उद्देश्य था, तो सही ऑप्शन है डी एबीसी तीनों, विश्व बंधुत्व, विश्व एकात्मता, विश्व शांति, एबीसी तीनों। शिकागो यात्रा से पूर्व नरेंद्र को पहली बार स्वामी विवेकानंद से संबोधित किया, सही ऑप्शन है डी खेतड़ी नरेश ने। वाल्मीकि रामायण की रचना जिस छंद में हुई है, सही ऑप्शन है डी अनुष्टुप। रामायण जिस युग से संबंधित है, सही ऑप्शन है सी त्रेता युग। अगला प्रश्न 68वां आप देख सकते हैं, अवधि भाषा में राम के चरित्र पर आधारित रचना है रामचरित मानस, समस्त पर्वतों में देवात्मा पर्वतों का राजा के नाम से जिसको संबोधित किया जाता है हिमालय। रामचरित मानस के रचनाकार हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न, खांडव वन के जिस स्थान पर पांडवों ने नगर बसाया, इंद्रप्रस्थ। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, सही ऑप्शन है डी बृहद्रथ। हिंदी के अतिरिक्त जो भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी। अगला प्रश्न, हजरत मूसा जिस धर्म के प्रवर्तक हैं, यहूदी धर्म। अगला प्रश्न, पृथ्वी के सबसे बड़े भूखंड का नाम है, सही ऑप्शन है डी यूरेशिया। कन्फ्यूशियस जिसका प्रमुख धर्म है, सही ऑप्शन है डी चीन का। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग जिसका प्रतीक है, सही ऑप्शन है डी हरितमा यानी भूमि की हरियाली का। विनायक नरहरि भावे मूल नाम था विनोबा भावे का। अगला प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस विधा के विद्वान थे, न्यायशास्त्र के। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट के नाम से जाने जाते हैं, सही ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। पुष्कर तीर्थ जहां स्थित है अजमेर में। स्वामी विवेकानंद की इंग्लैंड में जन्मी शिष्या थी, सही ऑप्शन डी एबीसी तीनों। तंबाकू में जो हानिकारक पदार्थ पाया जाता है, एबीसी तीनों। भारत देश की राष्ट्रीय नदी है गंगा। सनातन धर्मानुसार मनुष्य पर जो ऋण माने जाते हैं, एबीसी तीनों, पितृऋण देवऋण ऋषि ऋण, एबीसी तीनों। अगला प्रश्न, चीनी यात्री फाइयान जिसके शासनकाल में भारत यात्रा पर आए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य मौर्य के। बालडोली सत्याग्रह आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था महात्मा गांधी ने। अनिद्रा रोग, अनिद्रा मीन्स नींद ना आना, अनिद्रा रोग को दूर करने वाले आसन हैं शवासन। अगला प्रश्न, भगवद गीता में असंयमित मन को माना गया है शत्रु यानी दुश्मन। अगला प्रश्न, जावा में धार्मिक इमारतें कहलाती हैं, सही ऑप्शन है सी चंदी। स्वर्णद्वीप समूह में स्थित सुमात्रा देश का प्राचीन भारतीय नाम था श्री विजय। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जिन देशी राज्यों ने भारतीय संघ के साथ एकीकरण नहीं किया, एबीसी तीनों।
जगन्नाथपुरी को अन्य और जिस नाम से जाना जाता है, श्री क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, संघ क्षेत्र, सही उत्तर है डी, ABC तीनों। अगला प्रश्न, गांधी जी ने आश्रम वासियों के साथ दांडी कूच किया, सही उत्तर है सी, 12 मार्च 1930 में। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की जानकारी का स्रोत है AB दोनों, यानी इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के पश्चात जिस राजवंश का उदय हुआ, शुंग वंश, वह पांडव जिसे गुडाकेश भी कहते हैं, अर्जुन। अगला प्रश्न, लामा लोग भगवान बुद्ध को जिस नाम से पुकारते हैं, सही ऑप्शन है ए, सनप। अतुल्य रम नामक योजना जिस क्षेत्र हेतु है, तो सही ऑप्शन है डी, साक्षरता। अब ये टाई ब्रेकर आप प्रश्न देख सकते हैं 5, जिनका ओमर सीट के बैक साइड में लिखना होता है आंसर। पहला प्रश्न, छत्रपति शिवाजी, अभिमन्यु, लवकुश, भरत, इनकी माँ के नाम लिखने हैं सभी की, तो शिवाजी जीजाबाई के पुत्र थे, अभिमन्यु सुभद्रा के, लवकुश माता सीता जी के, और भरत शकुंतला के। अगला प्रश्न, गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, बाल दिवस 14 नवंबर को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, तिथियां लिखनी थी। गीता किसका ग्रंथ है, हिंदू धर्म का, कुरान इस्लाम धर्म का, बाइबल ईसाई धर्म का, गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। 4 दिशाओं के मध्य 4 कोणों में स्थित दिशाओं के नाम लिखिए, तो ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य। राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद यानी बैनियान, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर। तो यह था क्लास 7th का भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2023 का पेपर। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।